ब्रह्मपुर आंबपुआ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रणहुंकार जेपी नड्डा कहले एथर ओडिशार सबुठी फुटिबो पद्म मोदी नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प पूरण करने एथर निर्वाचन ओडिशा को भी विकसित करने बीजेपी सबु सांसद प्रार्थी को जितायबा सह राज्य में सरकार गठन करने को आह्वान देखते नड्डा क्या उड़िया में उड़ीसा को नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं रह गया है? क्या बाहर से लाओगे? क्या इंपोर्ट करोगे? क्या आप धरती पुत्र को नेता बनाओगे? ना बाहरी को नहीं लाओगे? ना बाहरी को लाने का प्रयास चल रहा है, जरा संभल के रहना। क्या उड़ीसा में कोई नेता नहीं रह गया? कोई धरती पुत्र नहीं है? लेकिन ये नवीन बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बाहरी लोगों को परिश्रय दिया जा रहा है, ये हमारे लिए चिंताजनक है, चिंताजनक है। और इसका जवाब आपको कमल पर बटन दबा करके देना है, ये भी आपको याद रखना है। मैं दूसरी बात आप बताइए, बीजेडीपी के सरकार, बीजेडी की सरकार में दुर्नीति चल रही है कि नहीं चल रही है? अफसरों की दुर्नीति है कि नहीं है? नेताओं की दुर्नीति है कि नहीं है? बाबूराज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताओ, ये दुर्नीति का नतीजा है कि नहीं है कि चिटफंड 160 चिटफंड कंपनियां ने 32,000 करोड़ रुपए और 20 लाख लोगों का हड़प गए? सच्चाई है कि नहीं है? आप बताओ, ये बीजेडी सरकार की दुर्नीति है कि नहीं है? कितना 160 चिटफंड कंपनियां 32,000 करोड़ रुपए और 20 लाख लोगों का पैसा खा गए, हड़प गए, और अब उड़ीसा सरकार देने से इनकार कर रही है? ऐसी सरकार को रहने देगो क्या? 13 तारीख को जवाब लोगे ना? उस दिन बटन दबाओगे ना? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये अजब प्रदेश है, जल जीवन मिशन में वो ठेकेदार हैं जो ब्लैकलिस्टेड हैं। क्या क्या दोस्ती है तुम्हारी? क्या दोस्ती है बीजेडी की सरकार की कि जल जीवन मिशन में जो ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड हैं उनको आप ठेका दे रहे हो? बताओ, ऐसी दुर्नीति की सरकार चलेगी क्या? चलने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? हमारे नेताओं को काम दोगे ना? अपनी सरकार बनाओगे ना? ऊपर मोदी जी तो नीचे भी बीजेपी ये रहेगा ना? आपने मेरी बात सुनी, आप आगे बढ़िए और सफलता हासिल कीजिए। जय भारत, जय उड़ीसा। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।